आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के बारे में। वास्तु हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सिखाता है। ये हमें बताता है कि अपने घर को कैसे डिजाइन करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो। ये सकारात्मक ऊर्जा आशीर्वाद और समृद्धि लाती है। ऐसा ही एक आशीर्वाद है माँ लक्ष्मी का, जो धन और प्रचुरता की देवी है। वास्तु हमें ऐसा घर बनाने में मदद करता है जहाँ लक्ष्मी जी का स्वागत हो। जब लक्ष्मी जी हमारे घर पर कृपा करती हैं, तो हमें शांति, खुशी और आर्थिक रूप से खुशहाली मिलती है। हमारा घर सकारात्मकता और प्रचुरता का केंद्र बन जाता है। आइए जाने कुछ सरल लेकिन असरदार वास्तु टिप्स, जिनसे हम अपने जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा पा सकें। याद रखें, सकारात्मक ऊर्जा से भरा घर सौभाग्य को आकर्षित करता है। वास्तु सिद्धांतों का पालन करके हम एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। चलिए शुरू करते हैं समृद्ध और खुशहाल जीवन की ओर अपना सफर। घर का प्रवेश द्वार ऊर्जा का पहला पड़ाव होता है। इसे साफ, सुथरा और रोशन रखना बहुत जरूरी है। एक स्वागत योग्य प्रवेश द्वार लक्ष्मी जी के आशीर्वाद को आमंत्रित करता है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। ये दिशाएं धन और समृद्धि से जुड़ी हैं। अगर आपका प्रवेश द्वार इन दिशाओं में है, तो सुनिश्चित करें कि वहां पर्याप्त रोशनी हो। प्रवेश द्वार को अव्यवस्थित या अवरुद्ध न रखें। जूते, झाड़ू या कूड़ेदान जैसी किसी भी बाधा को हटा दें। साफ रास्ता सकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देता है। एक भव्य और स्वागत करने वाला प्रवेश द्वार लक्ष्मी जी की कृपा को हमारे घरों में आमंत्रित करने का पहला कदम है। इन आसान उपायों को अपनाकर हम प्रचुरता और समृद्धि के लिए एक सकारात्मक और आमंत्रित जगह बनाते हैं। अपने घर के प्रवेश द्वार को किसी भी टूटे या खराब सामान से मुक्त रखें। इसमें टूटे बर्तन, टूटा फर्नीचर या खराब लाइटें शामिल हैं। ये बाधाओं और नकारात्मकता का प्रतीक है। मुख्य द्वार के ठीक सामने सीढ़ी होने से बचें। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा बन सकता है। अगर आपके घर में सीढ़ी है, तो ऊर्जा को मोड़ने के लिए पर्दा या स्क्रीन लगाने पर विचार करें। याद रखें, एक साफ और अव्यवस्थित प्रवेश द्वार सकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में बिना किसी रुकावट के प्रवेश करने देता है, जिससे लक्ष्मी जी के आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त होता है। भाग 4, समृद्धि का प्रकाश। लक्ष्मी जी के लिए अपने घर को रोशन करना। प्रकाश सकारात्मकता और प्रचुरता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। एक अच्छी तरह से रोशन घर लक्ष्मी जी के आशीर्वाद को आकर्षित करता है। सुनिश्चित करें कि आपके घर में दिन के समय पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी आती हो। शाम के समय अपने घर को तेज रोशनी से जगमगाएं, खासकर प्रवेश द्वार और लिविंग रूम को। मंद या टिमटिमाती रोशनी का उपयोग करने से बचें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। याद रखें, वास्तुशास्त्र में प्रकाश एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने घरों को अच्छी तरह से रोशन रखकर हम लक्ष्मी जी के आशीर्वाद को फलने फूलने के लिए एक स्वागत योग्य और शुभ माहौल बनाते हैं। भाग 5, स्वच्छता की शक्ति। एक पवित्र देवी के लिए एक पवित्र घर। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद को आकर्षित करने में स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। देवी लक्ष्मी को साफ और पवित्र स्थान पसंद है। अपने घर की नियमित रूप से सफाई करें, खासकर प्रवेश द्वार और पूजा घर की। कचरे को नियमित रूप से बाहर निकालें और अव्यवस्था से बचें। एक अव्यवस्थित घर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है। हवा को शुद्ध करने और सुखद वातावरण बनाने के लिए अगरबत्ती या ताजे फूलों जैसी प्राकृतिक सुगंधों का प्रयोग करें। याद रखें, एक साफ और सुगंधित घर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और समृद्धि और प्रचुरता के उनके आशीर्वाद को आमंत्रित करता है। भाग 6,
निष्कर्ष, आशीर्वाद और प्रचुरता को आमंत्रित करना। इन सरल वास्तु उपायों को अपनाकर हम एक ऐसा घर बना सकते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा से कंपन करता हो और लक्ष्मी जी की कृपा को आकर्षित करता हो। याद रखें, एक साफ, अच्छी तरह से रोशन और अव्यवस्थित घर समृद्धि और प्रचुरता के लिए एक चुंबक है। इन वास्तु सिद्धांतों को केवल रस्मों के रूप में नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीके के रूप में अपनाएं। अपने घर को शांति, खुशी और समृद्धि का आश्रय बनने दें। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन को हमेशा खुशियों और प्रचुरता से भर दे।